कहानी की शुरुआत एक फैशन कंपनी से शुरू होती है जिसमें कई लड़कियां मॉडलिंग करती थीं। इस कंपनी के मालिक का नाम हीमू था। आज हीमू के पास एक व्यापारी आया हुआ था जो उसकी कंपनी के साथ काम करना चाहता था। व्यापारी के जाने के बाद सो नाम की लड़की हीमू के दफ्तर में आती है। सो एक फैशन डिजाइनर थी और वो हीमू को अपने डिजाइन दिखाने आई थी। हीमू को उसके सारे डिजाइन पसंद आते हैं। डिजाइन दिखाने के बाद जब सू जाने लगी तो हीमू उसे रोककर डिनर के लिए पूछता है। पहले तो सू मना करती है, लेकिन जब हीमू कहता है कि हम डिनर पर काम की बात करेंगे तो उसकी बात मान लेती है। सू के जाने के बाद हीमू किसी को फोन करता है, जिसके थोड़ी ही देर बाद रीना नाम की मॉडल हीमू के पास आती है। रीना हीमू की मॉडलिंग कंपनी में काम भी करती थी और जरूरत पड़ने पर हीमू का पानी भी निकालती थी। सू को देखकर हीमू गर्म हो गया था, इसलिए उसने रीना को बुलाया था। देखते ही देखते दोनों एक कमरे में आकर शुरू हो गए। रीना पूरे जोश में थी, लेकिन हमेशा की तरह हीमू का पानी जल्दी निकल गया और रीना प्यासी रह गई। थोड़ी ही देर बाद रात हो गई। हीमू और सू एक होटल में डिनर कर रहे थे। खाना खाते खाते हीमू सू से कहता है कि मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। हीमू की बात सुनकर सू परेशान हो गई, जबकि हीमू को मौका देखकर सू के करीब आ गया। सू से कहती है कि मेरा एक प्रेमी है और हम जल्दी शादी करने वाले हैं। इसके साथ ही वो हीमू से ये भी कहती है कि तुम्हारी उम्र भी ज्यादा है और मैं किसी बूढ़े से प्यार नहीं कर सकती। सू की बात सुनकर हीमू परेशान हो गया और तभी सू का प्रेमी किम भी वहाँ आ जाता है। डिनर के बाद सू किम के साथ जाने वाली थी, इसलिए उसने किम को यहाँ बुला लिया था। सू के जाने के बाद हीमू सोच में पड़ गया, क्योंकि वो हर हाल में सू को पाना चाहता था। अगले दिन सू फिर से हीमू के पास आती है। वो आज भी कुछ डिजाइन दिखाने आई थी, लेकिन हीमू उसे रोककर कहता है कि तुम्हारे डिजाइन इतने अच्छे होते कि उन्हें देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। उसकी बात सुनकर जैसे ही सू जाने लगी, हीमू उसे रोककर उसकी गुफा लूटने की कोशिश करता है। सू खुद को बचाने के लिए हीमू को थप्पड़ मारती है और फिर वहां से चली जाती है। सू का थप्पड़ खाकर हीमू को गुस्सा आता है और उसने फैसला कर लिया कि अगर पानी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो वो उंगली टेढ़ी करेगा। थोड़ी ही देर बाद हीमू एक बाबा के पास आता है। ये बाबा पैसे लेकर काला पीला जादू करता था। हीमू उसे सब बताकर कहता है कि मैं सू के मजे लेना चाहता हूँ और इस काम के लिए मैं आपको काफी पैसे दूंगा। बाबा भी काफी लालची था। पैसों का नाम सुनते ही उसने अपना काम शुरू कर दिया। वो हीमू को बताता है, मैं तुम्हारे जिस्म से तुम्हारी आत्मा निकाल दूंगा, तुम्हारी आत्मा सू को नजर नहीं आएगी और तुम उसकी गुफा के मजे लेकर वापस आ जाना। तुम्हारे आते ही तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शरीर में चली जाएगी। हीमू सू के लिए कुछ भी कर सकता था और देखते ही देखते बाबा उसकी आत्मा बाहर निकाल देता है। कुछ ही देर बाद हीमू की आत्मा सू के पास पहुंच गई। सू को हीमू की आत्मा नजर नहीं आ रही थी और इसी का फायदा उठाकर वो उसकी गुफा लूट लेता है। सू की गुफा लूटकर वो फिर से बाबा के पास पहुंच गया। वो बाबा को बताता है कि मुझे मजा तो बहुत आया, मैं कल भी सू के पास जाना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर बाबा कहता है कि मैंने जादू की मदद से तुम्हारी आत्मा सू के पास भेजी थी, अब मेरा जादू 7 दिन बाद काम करेगा, यानी तुम्हारी आत्मा 7 दिनों बाद सू के पास जा सकती है। बाबा की बात सुनकर हीमू परेशान हो गया। उसकी परेशानी दूर करने के लिए बाबा उसके डंडे को बड़ा और तगड़ा कर देता है, ताकि वो 7 दिनों तक दूसरी लड़कियों के साथ मजे कर सके। अगले दिन सू के पास किम आता है और सू उसे उदास नजर आती है। किम के पूछने पर सू उसे बताती है, मैंने कल रात एक सपना देखा और सपने में मैंने अपनी इज्जत लुटवाई। किम को लगा सू ने डरावना सपना देखा है। वो सू को बताता है कि मेरी दूर की एक बहन है जो डरावने सपनों का इलाज करती है। किम की दूर वाली बहन का नाम मीसा था और वो भी काला पीला जादू करती थी। जल्दी ही किम और सू मीसा के घर पहुंच गए और मीसा दोनों का स्वागत करती है। किम के कहने पर सू मीसा को सब बताती है कि कल रात उसके साथ क्या हुआ। पूरी बात सुनकर मीसा ध्यान लगाती है। ध्यान लगाने के बाद वो दोनों को बताती है कि सू ने कोई डरावना सपना नहीं देखा, बल्कि सच में उसकी गुफा लूटी गई है। मीसा की बात सुनकर दोनों हैरान हो गए। मीसा उन्हें समझाती है कि किसी ने जादू का इस्तेमाल किया है और उसकी आत्मा ने सू की गुफा लूट ली। सू नहीं चाहती थी कि उसकी गुफा दोबारा लूटी जाए, इसलिए मीसा उसे एक लिफाफा देकर कहती है, इसमें करामाती अंदरूनी कपड़े हैं, तुम जब इन्हें पहनोगी तो आत्मा तुम्हारी गुफा नहीं लूट पाएगी। दूसरी तरफ रीना हीमू के पास आ गई। हीमू ने ही फोन करके उसे अपने पास बुलाया था ताकि वो अपना पानी निकाल सके। हीमू का तगड़ा डंडा देखकर रीना हैरान हो गई। हीमू का नया डंडा देखकर उसकी प्यास भी बढ़ गई थी और इस बार हीमू उसकी प्यास अच्छे से बुझाता है। कुछ दिनों बाद हीमू फिर से बाबा के पास आ गया। 7 दिन पहले वो सू के पास गया था और वो फिर से सू के पास जाना चाहता था। बाबा इस बार उसकी आत्मा निकाल कर उसे सू के पास भेज देता है। उधर सू के घर किम भी बैठा था। दोनों अभी बातें ही कर रहे थे कि इसी बीच हीमू वहां आकर किम को पीटने लगा। किम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। हीमू उसे पीट पीट कर बाहर निकाल देता है। इसके बाद वो सू को दबोचने की कोशिश करने लगा ताकि उसकी गुफा लूट सके। सू खुद को बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन हीमू ने जल्दी ही उसे दबोच लिया। हीमू जब उसके कपड़े उतारने लगा तो सू की
उसकी अंदरूनी कपड़े जादू करते हैं और हीमू को भगा देते हैं। हीमू की आत्मा बिना कुछ किए बाबा के पास आ गई। वो बाबा को बताता है कि सू ने करामाती कपड़े पहन रखे हैं। उसकी बात सुनकर बाबा समझ गया कि कोई सू की मदद कर रहा है। वो हीमू से कहता है कि मैं अभी सू का जादू खत्म करता हूं, जिसके बाद तुम सू के कपड़े उतार सकते हो। बाबा की बात सुनकर हीमू खुश हो गया। जबकि दूसरी तरफ के मीसा को सू के घर ले आया था। उधर बाबा अपना काम कर रहा था और वो जल्दी ही सू का जादू खत्म कर देता है। अब हीमू फिर से सू के पास जाने वाला था और इस बात करामाती कपड़े भी उसके रोकने वाले नहीं थे। मीसा भी समझ गई थी कि करामाती कपड़ों का जादू खत्म हो गया है। वो कुछ सोचकर सू से कहती है, मैं तुम्हारे कमरे में लेटकर एक जादू करूंगी। ये जादू उस आदमी को बेवकूफ बना देगा जो तुम्हारी गुफा लूटने आएगा। जादू के कारण वो मुझे ही सू समझेगा और मौका देखकर मैं उसे पकड़ लूंगी। सू और किम को अपनी योजना बताकर मीसा अकेले ही सू के कमरे में लेट जाती है। कुछ देर बाद हीमू कमरे में आता है। मीसा के जादू के कारण उसे मीसा की जगह सू नजर आ रही थी। वो मीसा के कपड़े उतार कर जैसे ही उसकी गुफा लूटने लगा तो मीसा उस पर हमला कर देती है। लेकिन हीमू किसी तरह बचकर बाबा के पास पहुंच गया। वो बाबा को सब बता देता है कि उस पर हमला हुआ है, जिसके बाद बाबा उसे आराम करने की सलाह देता है। अगले दिन हीमू बिल्कुल ठीक हो गया था। बाबा अब ये पता लगाने वाला था कि हीमू पर किसने हमला किया है, क्योंकि सू तो साधारण लड़की है। जल्दी ही बाबा ने अपने जादू से पता लगा लिया कि सू की मदद मीसा कर रही है और उसी ने हीमू पर हमला किया था। बाबा हीमू को सब बताकर कहता है कि मैं रात को मीसा का हिसाब करूंगा और तुम तब तक आराम करो। कुछ ही देर बाद रात हो गई। बाबा अपने काम पर लग गया। मीसा भी ध्यान में बैठी थी और इसी बीच उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। मीसा की तबीयत बाबा बिगाड़ रहा था क्योंकि वो उसे अपने जादू से मारना चाहता था। देखते ही देखते मीसा की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि वो तड़प तड़प कर मर जाती है। उसकी चीखें सुनकर जब किम और सू कमरे में आते हैं तो मीसा की लाश देखकर वो डर जाते हैं। मीसा की मौत देखकर सू बेहद डर गई थी, लेकिन किम उससे कहता है, हमें दूसरे शहर जाना होगा। वहां मीसा की बड़ी बहन नीमो रहती है। नीमो भी जादू करती है और वो मीसा को ठीक कर सकती है। थोड़ी ही देर बाद दोनों गाड़ी में बैठे थे। इनकी गाड़ी दूसरे शहर जा रही थी। यहां मीसा की बड़ी बहन नीमो रहती थी। दूसरी तरफ हीमू बाबा के पास पहुंच गया था। बाबा उसे सब बताता है कि अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। उधर किम और सू मीसा की बड़ी बहन नीमो के पास पहुंच गए थे। नीमो भी जादू जानती थी। वो सू और किम को बाहर भेजकर मीसा को जिंदा करने लग जाती है। काफी कोशिशों के बाद उसे सफलता मिल जाती है और मीसा जिंदा हो जाती है। नीमो के बुलाने पर जब किम और सू अंदर आते हैं तो मीसा को जिंदा देखकर वो दोनों बेहद खुश होते हैं। अब दोनों बहनों ने फैसला कर लिया था कि वो बदला लेंगी। कुछ ही देर बाद दोनों बहन जंगल में पहुंच गई। वो अपने जादू का इस्तेमाल करके बदला लेने वाली थी। वो नहीं चाहती थी कि किम और सू की जान खतरे में पड़े, इसलिए वो दोनों जंगल में आई। उधर हीमू भी सू के पास जाने के लिए तैयार था, जबकि दूसरी तरफ बहनों ने भी अपना जादू शुरू कर लिया था। वो अपने जादू से हीमू को मार देती है। हीमू की मौत के साथ ही बाबा को पता चल गया कि कोई जंगल में जादू कर रहा है। वो जंगल में जाकर दोनों बहनों को मारने की कोशिश करता है, मगर दोनों बहनें उसे ही मार देती हैं। कहानी के आखिर में सू और किम खुश हो गए थे क्योंकि अब उन्हें परेशान करने वाला कोई नहीं था। इसी के साथ वो भी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।